नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक अस्तर वाली कमीज की कटिंग लेकर के आया हूँ। जो ये कटिंग करेंगे, प्लेट वाली कटिंग करेंगे हम, जो प्लेटें डलती हैं सूट में, तो प्लेटों के साथ में कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें नाप जानना है। यहाँ पे ये मैंने नाप नोट किया हुआ है। जो हमने लेंथ रखनी है वो रखनी है 42 इंच तैयार। ब्रेस्ट का नाप होगा 43 और 3 इंच प्लस करते हैं तो 46 आ जाता है। और यहाँ पे जो हाफ हिस्सा आएगा हमारा फ्रंट का, वो आएगा 23 इंच, 23। वेस्ट 40 है, 3 इंच प्लस करेंगे 43 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हाफ आएगा हमारा 21 1/2 आएगा। हिप में 2 इंच की लूजिंग दी जाती है तो 50 इंच हमारी यहाँ पे हिप का नाप होगा। 2 इंच प्लस करने के बाद 52 और हाफ हिस्सा आएगा हमारा 26। फ्रंट नेक होगा हमारा 7.5, बैक नेक होगा 8.5 इंच। जो बाजू होगी 17, फुल बाजू रखनी है, 9.5 इंच मोरी होगी आगे की साइड की। और यहाँ पे इस तरीके से प्लेटें डालेंगे। प्लेटों वाले कमीज की मैं आपको आज कटिंग बताऊंगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे अस्तर यहाँ पे सेट किया हुआ है। ये हमारे पास अस्तर है, अस्तर हमने इस प्रकार से सेट किया हुआ है, फ्रंट बैक जो हमारी दोनों इकट्ठी कटिंग हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, लेंथ नापनी होती है। यहाँ पे लेंथ नापेंगे, जैसे 42 इंच है तो यहाँ से हम 1 इंच कम का निशान लगाएंगे, मतलब 41 का। इस प्रकार से ऊपर की साइड यहाँ पे 41 का निशान लगाएंगे। इसके बाद हम एक निशान लगाएंगे आर्मोल का 7 इंच के ऊपर। जो कमर का निशान लगाएंगे 14.5 पे लगाएंगे, और जो हिप का निशान लगाएंगे 22 इंच पे लगाएंगे। इन चारों निशानों को हम सीधा कर लेते हैं इस प्रकार से। इस तरीके से सभी निशान हमने यहाँ पे लगा लिए हैं। अब साइज के अकॉर्डिंग, जैसे ऊपर से हमने 23.5 इंच रखना है, 23 इंच रखना है, तो यहाँ पे हम 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जो वेस्ट का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 21.5 इंच है तो 11.5 इंच पे लगाएंगे। और यहाँ पे प्लेट के लिए आगे की साइड एक निशान लगाएंगे 0.25 इंच का। इस प्रकार से जो हिप है 26 इंच है तो यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इन निशानों को एक दूसरे से स्केल की सहायता से जोड़ लेते हैं। इस प्रकार जो हमें घेरा रखना है यहाँ पे 26 इंच रखना है, क्योंकि स्ट्रेट बनाना है, तो यहाँ पे हम 26 इंच घेरा रखते हुए ये निशान भी हम इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। अब आ जाता है हमारा शोल्डर और आर्महोल। तो यहाँ पे जो हमने, जैसे गला हमारा डीप है, बैक साइड से 8.5 इंच है, तो हम शोल्डर रखेंगे यहाँ पे 12 इंच, 6 इंच पे निशान लगाएंगे। नीचे की साइड भी हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और अंदर की साइड 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से अंदर वाले निशान को शोल्डर के निशान से इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। और यहां पे हम गोलाई देंगे। इस प्रकार की हमने यहाँ पे गोलाई डाल दी है। अब यहाँ पे हम गले का निशान लगाएंगे। 6 इंच ब्रॉड रखना है, डीप रखना है यहाँ पे हमें 7.5 से 7.5 इंच। तो यहाँ पे इस प्रकार की हम गोल गले का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों फ्रंट के निशान हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे प्लेटों के निशान डालने हैं। तो प्लेटों के निशान हम ऊपर से यहाँ पे जो लेंगे वो लेंगे 10.5 इंच के ऊपर। इस प्रकार से 10.5 इंच पे निशान लगा देते हैं। तकरीबन ये चौथाई हिस्सा होता है ब्रेस्ट का, जो नाप होता है उसका चौथाई हिस्सा होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जो ऊपर से हम निशान लगाते हैं एक बार हमें नाप लेना चाहिए। जब हम नाप लेते हैं शरीर का, तो यहाँ पे हमें नाप लेना चाहिए कि ब्रेस्ट का सेंटर कहाँ पे है, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे निशान लगाने होते हैं। तो इस साइड से जो रखेंगे हम यहाँ पे, साइज हैवी है तो यहाँ पे रखेंगे हम 0.25 इंच इस प्रकार से। अब इस पॉइंट, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इसी सेंटर पॉइंट से हमारी सभी प्लेटें डलती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीधा निशान लगाएंगे इस प्रकार, ऐसे। फिर लगाएंगे कमर के निशान से इस तरीके से, एक प्लेट हमारी यहाँ पे ये आ जाएगी। अब जो ये वाली प्लेट डालते हैं हम, ये गोलाई का सेंटर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इस प्रकार से ये सेंटर आएगा, तो यहाँ पे हमारी ये प्लेट आएगी इस प्रकार, ऐसे।
ये तीनों प्लेट हमने यहाँ पे तीनों प्लेट के निशान लगा लिए हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इस साइड से भी 1 इंच लेना है, इस साइड से भी 1 इंच लेना है और इस साइड से भी 1 इंच लेना है। सभी के हम इस प्रकार से निशान लगा लेते हैं। ये निशान आप कम ज्यादा भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, जैसे ये निशान थोड़ा छोटा कर लें इस प्रकार से, यहां तक आप प्लेट डाल सकते हो, इसमें भी आप यहां तक प्लेट डाल सकते हो, ये आपकी इच्छा है। लेकिन ये निशान आपने यहीं पे रखना है, इस निशान को आपने यहां तक डालना ही होता है। और इस निशान के बाद जो हम नीचे की साइड ऊपर की साइड देखते हैं, कमर से हमारा 6 इंच आता है, यहाँ पे 3 इंच आता है, तो टोटल 6 इंच हो गया। लेकिन हमने 6 इंच नहीं, आधा इंच ज्यादा नीचे की साइड रखना है, तो 6.5 इंच रखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। कमर के निशान से ऊपर का हिस्सा जितना बनता है उससे आधा इंच नीचे का बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच किए, सेंटर सीधी जो सेंटर वाली प्लेट होती है ये डाल ली है, और यहाँ पे हमने ये निशान लगाया है और ये निशान लगाया है, जो हमारे परफेक्ट निशान है। तो फ्रंट के दोस्तों हमारे कंप्लीट निशान हो गए हैं ये प्लेटों के साथ में। अब हमने यहीं पे बैक साइड का भी निशान लगाना है, तो जो हमारा सीधा ये निशान आता है यहाँ पे इस प्रकार से, इससे हम बाहर की साइड निशान लगाएंगे 1.25 इंच के ऊपर, और यहां से इस निशान को इस प्रकार जोड़ेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे भी हम गोलाई देंगे इस प्रकार की, ये हमारी बैक साइड के लिए है गोलाई। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करते हैं, आधा इंच बैक साइड बड़ी कटिंग करेंगे इस प्रकार, और सबसे पहले बैक वाले हिस्से के ऊपर कटिंग करेंगे, आगे की साइड मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे, इस प्रकार से दोस्तों हमने यहां पे कटिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हमने नीचे का पल्ला नीचे की साइड छोड़ते हैं बैक साइड वाला ऐसे, और ऊपर के पल्ले में हमने कटिंग करनी होती है जो हमने फ्रंट की इस प्रकार से निशान लगाए हुए हैं इस तरीके से। ऊपर की साइड वाला हमने आधा इंच कटिंग कर ली है। अब हम आर्मोल की कटिंग करेंगे निशानों के ऊपर ही इस तरीके से। दोस्तों हमने यहाँ पे कंप्लीट कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हमने इस तरीके के कट लगा लेते हैं कमर पे, वेस्ट पे और कमर पे, हिप पे, कमर पे और ब्रेस्ट पे। अस्तर की कंप्लीट कटिंग होने के बाद अब हम जो हमारे पास मेन फैब्रिक है सिल्क वाला, इसके ऊपर रखते हुए अस्तर की कटिंग करेंगे इस प्रकार। दोस्तों हमने अस्तर ऊपर की साइड यहाँ पे अच्छे से सेट कर लिया है, इस साइड में हमारा अस्तर बिल्कुल बराबर रहना चाहिए मेन फैब्रिक से। अब हम यहाँ पे अस्तर के साथ साथ कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने फ्रंट की यहाँ पे कंप्लीट कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट को इस प्रकार से फोल्ड कर लेते हैं और सेम इसी तरीके से बैक साइड के लिए फैब्रिक बिछाएंगे। बैक साइड में भी दोस्तों हमने इस प्रकार से नीचे की साइड मेन फैब्रिक रखते हुए और ऊपर हमने जो अस्तर यहाँ पे कटिंग किया था अस्तर रखते हुए, अस्तर के साथ साथ हम इस प्रकार से कटिंग करते हैं। तरीके से हमने बैक साइड की भी यहाँ पे कंप्लीट कटिंग कर ली है। अब बैक की बराबर में से जो कपड़ा बचता है इसमें से हमें बाजू की कटिंग करनी होती है। यहाँ पे दोस्तों हमने इस प्रकार से इसको डबल फोल्ड किया है, और इसमें क्या होता है जैसे पत्ती फूल पत्ती होती है तो इनके रुख हमारे ऊपर की साइड होने चाहिए, मतलब मोरी इस साइड होनी चाहिए और आर्मोल इस साइड में होना चाहिए। तो हम दोनों बाजू सेम कटिंग करने के लिए सबसे पहले सेंटर से इस प्रकार से कट करेंगे। अब यहाँ पे जो फ्लावर है फ्लावर को दोनों बाजू के सेम बनाने के लिए हम इस प्रकार से रख लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे एक साइड से कपड़े को सीधा कर लेंगे
तो अब आप देख पाओगे इस साइड भी हमारे फ्लावर ऊपर को हैं और नीचे की साइड भी ऊपर की साइड है। अब हमें बाजू कटिंग करनी होती है, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से बिछाते हुए यहाँ पे इस तरीके से सेट करेंगे। हम इसमें कम फोल्ड लगाते हैं क्योंकि आगे का हमें यहाँ पे ज्वाइंट लगाना होता है। तो यहाँ पे फोल्ड लगाने के बाद जो फ्रंट की साइड में से कपड़ा बचता है उसमें से यहाँ पे हम ज्वाइंट लगाएंगे। यहाँ पे ज्वाइंट लगाने के लिए जो मैंने ये फैब्रिक लिया है फ्रंट की साइड वाला, इसको हम यहाँ पे ऊपर की साइड इस तरीके से सेट कर लेते हैं जहां पे हमें जोड़ लगाना होता है। अब हमें यहाँ पे बाजू के लिए निशान लगाने हैं, तो सबसे पहले हम एक ऊपर की साइड यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। एक निशान यहाँ पे हम लगाएंगे 4.25 इंच के ऊपर और एक निशान लगाएंगे लेंथ के ऊपर। लेंथ जैसे हमारी 17 है तो 17.5 पे निशान लगाएंगे और नीचे की साइड फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पे निशान कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों हम आर्महोल का यहाँ पे निशान लगाएंगे, ये लगाएंगे हम 1.25 इंच के ऊपर इस प्रकार से। और जितनी मोरी रखनी होती है मोरी को रखते हुए यहाँ पे इस प्रकार से निशान को कंप्लीट करेंगे। अब हमें यहाँ पे कटिंग करनी है गोलाई देते हुए। आगे की साइड मार्जिन रखते हैं तकरीबन 1.5 इंच का। इस प्रकार से दोस्तों हमने बाजू की कटिंग कर ली है यहाँ पे। अब जोड़ वाला जो जोड़ वाले पॉइंट होते हैं इनको हम इस प्रकार से हटा देते हैं और यहाँ पे गहराई देते हैं। ये गहराई होती है फ्रंट के लिए और जो गोलाई होती है वो बैक साइड के लिए होती है। इस प्रकार हमने यहाँ पे बाजू की कंप्लीट कटिंग कर ली है। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे बाजू की कटिंग ये हो गई है हमारी। ये हमारी फ्रंट की कटिंग है और ये बैक साइड की कटिंग है। यहाँ पे हमने कंप्लीट कटिंग कर ली है दोस्तों। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।